ऑल राइट, द ट्रेडिंग पिट, इसको हम रिव्यू करेंगे आज एक बार। पास्ट में 2-3 महीने पहले एक बार मैंने इन पे वीडियो बनाया था, ठीक है। उस टाइम पे मैंने इनके बारे में बताया था कि ये काफ़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये वीडियो फिर से एक अपडेटेड रिव्यू होने वाला है ट्रेडिंग पिट का, और इस वीडियो में एक गिव अवे भी है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ गिव अवेज हैं वो पेंडिंग थे, तो अब कवर कर रहे हैं उनको। तो इस पर लकी विनर को मिलेगा एक स्टैंडर्ड अकाउंट जो कि फ्री में दिया जाएगा, दिस वन। और इसके लिए क्या क्या कंडीशन रहेगी, गिव अवे में किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो बने रहिए, आगे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग पिट की। तो एक बार हम ट्रस्ट पायलट पे इनकी जो ट्रस्ट रेटिंग चेक कर लेते हैं। यह है ट्रस्ट पायलट और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.7 की रेटिंग है आउट ऑफ 5, जो कि है एक्सीलेंट, और 206 लोगों ने रिव्यू किया है और वेरीफाइड कंपनी का टैग यहाँ पर है। अब बात करते हैं इनके पास कौन कौन से प्लान्स हैं और इनके प्लान्स का क्या कॉस्ट है और क्या क्या फीचर हैं। देखिए, एक चीज़ मैंने बताई थी पास्ट में, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने सिमुलेटेड फंडिंग में किस तरह का अप्रोच रहता है या फिर स्ट्रैटेजी कह लीजिए किसी भी प्रॉप फर्म की, तो या फिर जो रियल फंडिंग होती है उनमें किस तरह की स्ट्रैटेजी रहती है, दोनों के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं वो मैंने क्लियर करे थे। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आप देख लीजिए, मैं उस वीडियो का लिंक आपको कार्ड में दे दूंगा इस वीडियो के बाद, आप देख सकते हैं या फिर आप चैनल पर जाके ब्राउज कर सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कौन से प्रॉप फर्म सिमुलेटेड जो फंडिंग है उसको प्रोवाइड करते हैं, कौन से रियल प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही दोनों के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ठीक है। अब अगर ट्रेडिंग पिट की बात करें तो ये एक सिमुलेटेड फंडिंग ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन देखिए किसी भी प्रॉप फर्म को चूज़ करने से पहले अगर आप उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्योंकि रेगुलेशन तो कोई है नहीं किसी भी प्रॉप फर्म में, तो इस सिचुएशन में आपको एक चीज़ देखनी होगी कि जो ब्रोकर जिसके साथ ये काम कर रहे हैं क्या वो रेगुलेटेड है या नहीं है, उसकी क्या ब्रांड वैल्यू है। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग पिट की, तो ये काम करते हैं FX फ्लैट के साथ, जो कि बहुत पुराना ब्रोकर है, 1997 में फाउंड हुआ था, तो आप देख लीजिए लगभग 26 साल पुराना ब्रोकर है, और जो कि रेगुलेटेड है बैफिन, एक जर्मन रेगुलेशन है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी, बैफिन एक जर्मन नाम है उनका, ठीक है। तो वहाँ से ये रेगुलेटेड है, तो उसकी कंडीशन जो है ब्रोकर की कंडीशन वो कहीं ना कहीं उस रेगुलेशन के हिसाब से टफ हो जाती है थोड़ा सा। मतलब जैसे अगर मैं इनकी बात करूँ ट्रेडिंग पिट की, तो यहाँ पर इनका जो लेवरेज है मैक्सिमम वो 1:30 का है। अब जो भी ब्रांड एक सही रेगुलेशन में काम करता है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो जाते हैं। जैसे लेवरेज की बात मैंने यहाँ पर करी, कम लेवरेज मिल रहा है, लेकिन वहीं जो सेफ्टी की बात होती है, आपके अकाउंट ब्लॉक ना हो अननेसेसरी, आपको सपोर्ट में कॉन्टैक्ट करना पड़े, या फिर बहुत सारे जो भी ब्रांड हैं आज के डेट में जो भी कॉम्पिटिशन चल रहा है उसके चलते, मतलब उन्हें पता है कि बहुत सारे लोग तो लॉस करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के वो अकाउंट कुछ रीज़न दे के ब्लॉक कर देते हैं, ये पॉसिबल है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था उस वीडियो में कि जो भी सिमुलेटेड फंडिंग में काम कर रहे हैं ब्रांड वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, और इस पर कोई चौंकने वाली बात नहीं कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मैंने गलती नहीं करी उसके बाद भी ब्लॉक हो गया, ब्रांड कर सकते हैं ऐसा, छोटी मोटी मैनिपुलेशन चलती है हर जगह, ठीक है। अब किस लेवल तक की जा रही है वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे ब्रांड्स की जो कि सही से काम कर रहे हैं, तो उनमें एक नाम आता है ट्रेडिंग पिट। मतलब इनका एक रीसेंट एक पे आउट का वीडियो या फिर इनका इंटरव्यू आप देख सकते हैं, इसका एक बंदा है कनाडा का, $99,000 का प्रॉफिट जो पे आउट है इसने लिया है एक महीने की ट्रेडिंग में, तो इतने बड़े बड़े पे आउट ये दे रहे हैं। और एक चीज़ है, ये प्रमोशन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। प्रमोशन बहुत ज़्यादा करने का मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे फर्म हो जाएंगे। अगर ट्रेडिंग पिट की बात करूँ तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ये ट्रस्टवर्दी हैं। आई नो इनके साथ जो ट्रेड करने में थोड़ा सा आपको लेवरेज का इशू हो सकता है, इस तरह की ऑब्लिगेशन हो सकती हैं, क्योंकि या फिर यहाँ पर अगर आप देखें स्प्लिट है वो भी थोड़ा कम है, अप टू 80% है मैक्सिमम, या फिर अगर मैं टाइम की बात करूँ चैलेंज में तो वो 90 डेज़ का है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको इरिटेटिंग लग सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर पे आउट की बात करें या फिर मतलब अकाउंट में कोई छेड़छाड़ी ना हो या फिर ब्लॉक ना हो अननेसेसरली, तो इस तरह की सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हैं कहीं पर किसी प्रॉप फर्म में, तो ट्रेडिंग पिट एक ऐसा प्रॉप फर्म है जहाँ पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं,
मैं ट्रस्ट करता हूँ ट्रेडिंग पिट को, इसलिए मैं आपके साथ रिवील कर रहा हूँ। मैं किसी भी ब्रांड को एकदम से इतना पॉजिटिव या इतना ट्रस्टवर्दी नहीं बताता। लास्ट टाइम मैंने बताया था माय फ्लैश फंडिंग को, ठीक है। तो नए हैं फर्म, उसके बाद भी जो उनका बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें हैं उसको देखते हुए, या फिर उनके पीछे जो टीम काम कर रही है उसको देखते हुए, तो कहीं ना कहीं हम ट्रस्ट फैक्टर देख सकते हैं कि ये सेफ है या नहीं है। अगर ट्रेडिंग पिट की बात करूँ तो यहाँ पर फिलहाल मैं CFD की बात करता हूँ, ठीक है। तो इनके पास जो प्लान है वो चार हैं। VIP सबसे बड़ा प्लान है, जिसमें इनका अकाउंट जो है वो यूरो में मिलता है, 100,000 यूरो का प्लान है ये। और दूसरा है एग्जीक्यूटिव जो है 50,000 यूरो का, और तीसरा है स्टैंडर्ड जो कि गिव अवे में दिया जाएगा, और चौथा है लाइट। अमाउंट आप देख सकते हैं सामने, $999 का है VIP, और एग्जीक्यूटिव प्लान है $399, और इसके अलावा स्टैंडर्ड $179 का, और लाइट प्लान है $99 का। अगर फीचर्स की बात करें, VIP प्लान में प्रॉफिट टारगेट होगा 8% का। ये सारे वन फेज वाले प्रोग्राम हैं, इसमें टू फेज प्रोग्राम कोई भी नहीं है, सिंगल फेज वाले हैं कुल मिला के। देखिए 8% का टारगेट है प्रॉफिट टारगेट, और 90 डेज का टाइम मिलेगा आपको, मिनिमम 3 डेज की ट्रेडिंग चाहिए आपको यहाँ पर करनी है, और डेली ड्रॉडाउन 5%, मैक्स ड्रॉडाउन है 10% जो कि स्टैटिक है, और लेवरेज इसकी बात मैं कर चुका हूँ क्योंकि ब्रोकर जो है FX प्लेट है, और वहाँ पर 30% का वहाँ पर 1:30 का ही लेवरेज मिलता है। और प्रॉफिट शेयर की बात करते हैं, 60% से स्टार्ट होगा और अप टू 80% तक रहेगा, ठीक है। और टोटल पे आउट आप देख सकते हैं इतना है, इस यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं। ये क्या है एक बार फिर से बताऊँगा मैं आपको आगे, और ब्रोकर्स मैं बता चुका हूँ FX फ्लैट है CFD के लिए। ऑलराइट, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम है यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ है प्रॉफिट टारगेट, एग्जीक्यूटिव स्टैंडर्ड और लाइट में, इनमें जो प्रॉफिट टारगेट है वो 10% का, और VIP में केवल 8% का है। तो ये है इनके अकाउंट के फीचर। पेमेंट की बात करें तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा क्रिप्टो का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इंडिया से हैं तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप क्रिप्टो के ऑप्शन की तरफ जाएं, वो सेफ ऑप्शन है। कुल मिला के इनकी जो ट्रेडिंग कंडीशन है, ऑल्दो वो सिम्युलेटेड वे में है, लेकिन एक चीज़ इन लोगों ने सेट कर रखी है कि इनके पास जो भी ट्रेडर्स आएंगे वो गैम्बलिंग माइंडसेट वाले ना आए, वो केवल ऐसे ट्रेडर होने चाहिए इनके पास स्किल है और वो सही वे में ट्रेड करना जानते हैं, तो उसके हिसाब से इनके प्लान डिजाइन है। और बाकी जो भी पेमेंट आप करेंगे वो फर्स्ट पे आउट में आपको जो भी आपने पैसा पे किया है चैलेंज के लिए वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये सामने एक टेबल से बनी हुई दिख रही है, इसमें आपको दिख रहे हैं लेवल 1 से और लेवल 10 तक का स्केलिंग प्लान है, बहुत तगड़ा वाला इनका। जैसे बात करते हैं VIP प्लान, ऊपर यहाँ पर दे रखे हैं प्लान VIP की, अगर बात करते हैं लेवल 1 पर आप स्टार्ट करते हैं, 8% का प्रॉफिट टारगेट है, और 5% डेली ड्रॉडाउन है, और 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ये स्टार्ट होता है 60% के प्रॉफिट शेयर से, मतलब एक बार आपने चैलेंज पास कर लिया तो फर्स्ट लेवल में आपको 8% का टारगेट अचीव करना है, तो उसका आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम आपका पे आउट स्प्लिट होगा 60%। इसी तरह लेवल 2 में आपका अकाउंट हो जाएगा 150,000 यूरो, और उसका टारगेट अगर आप अचीव कर लेते हैं 8% का, तो 60% 150,000 का आपको ये स्प्लिट मिल जाएगा। उसके बाद अगेन 200,000 में पहुंच जाएंगे आप, 8% टारगेट अचीव करने पर 65% का स्प्लिट है, और इस तरह से ये स्प्लिट बढ़ रहा है। और अब यहाँ पर देखिए अकाउंट साइज भी आपका बढ़ रहा है, मतलब अगर आप स्केलिंग प्लान में बिलीव करते हैं तो यहाँ पर स्केलिंग प्लान बहुत तगड़ा है। अब देखिए बहुत ड्रास्टिकली आपके अकाउंट को इंक्रीज़ किया जा रहा है। लेवल 9 और लेवल 10 को देखिए आप, आई नो रियली हार्ड है इस लेवल तक पहुँचना, इतना आसान नहीं है, लेकिन फंडिंग अगर आप देखें तो 5 मिलियन तक की फंडिंग यहाँ पर दे रखी है। तो ये इनका स्केलिंग प्लान है। बाकी विड्रॉल की आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं जैसे ही आपका टारगेट कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस एक लिमिट सेट कर रखा है कि आप इतना टारगेट अचीव कीजिए और उसके बाद आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। केवल एक डे सेट कर रखा है जो है फ्राइडे का, एग्जाम्पल के लिए 8% जब भी आपने अचीव करा उसके आने वाले फ्राइडे में आप पे आउट का रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और पे आउट के लिए इनके पास बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं कुछ रूल्स की। इवैल्यूएशन के लिए आप ओवरनाइट, ओवर वीकेंड,
ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, 100% चैलेंज फी रिफंडेबल है पे आउट के टाइम पर। बाकी चैलेंज का जो टाइम है मैं आपको बता चुका हूँ 90 डेज का है। ट्रेडिंग सिग्नल पार्टनर स्केलिंग प्लान, इस पर 5 मिलियन तक की फंडिंग है, हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट आप विड्रॉ कर सकते हैं हर लेवल पर, और यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग CFD के रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है जब भी अगर आप इनका कोई भी एवैल्यूएशन प्लान ट्राई करना चाह रहे हैं। डेली ड्रॉडाउन ऑफकोर्स वो समझ आ रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ देखिए, नो न्यूज़ ट्रेडिंग 2 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर। ये चीज़ बहुत सारे जो सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हैं तो वहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर भी है। जब भी आप न्यूज़ ट्रेडिंग करेंगे वहाँ पर 2 मिनट का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए 6 बजे अगर न्यूज़ है तो उससे 2 मिनट पहले और उसके 2 मिनट बाद का जो टाइम है, 4 मिनट्स का जो बफर है, उस टाइम के विदिन आपको ट्रेड नहीं करनी है, वो एक वायलेशन माना जाएगा। बाकी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं है इनके पास, मतलब जो बहुत शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड करते हैं कुछ सेकंड्स में, वो आप नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग अलाउड है, लेकिन आपका ट्रेड एटलीस्ट 1 मिनट से ऊपर का होना चाहिए, बाकी कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। तो ये हैं इनके कुछ ट्रेडिंग के रूल्स, बाकी इसके अलावा कोई भी हिडन रूल्स इनके पास नहीं है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो इनके पास MT4 और MT5 दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी फिलहाल इनका हॉलोवीन ऑफर चल रहा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें 25% का ऑफ है इनके सारे चैलेंजेस में। अब बात करते हैं गिव अवे की, तो स्टैंडर्ड जो इनका चैलेंज है वो गिव अवे में दिया जाएगा, और इसका अनाउंसमेंट हो रहा है आज यानी 27th को, और गिव अवे अनाउंस किया जाएगा 30 तारीख को। 2-3 दिन का टाइम है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल से 3 रूल हैं। Step 1, लास्टली स्पोकन को आप सब्सक्राइब करें YouTube पर, और Step 2, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसको लाइक करें, और Step 3, वीडियो पे एक कमेंट कर दें कोई भी आपका सुझाव या जो भी है। और जो भी लकी विनर है वो 30 तारीख को पिक किए जाएंगे रैंडमली, जो भी कॉमेंट है उनमें से किसी रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट की हेल्प से। तो ये था गिव अवे का अपडेट। सो दैट्स इट अबाउट ट्रेडिंग पिट। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए और भी गिव अवेज आने वाले हैं फ्यूचर में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहें, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।